पांच बार आप डाइट खाना खाते हैं तो उसका उससे ज्यादा रोल है। तीसरा है, जैसे ही आप जो श्वास की क्रियाएं करते हैं, दिन भर जैसे श्वास लेते हैं, 1 मिनट में आप 14 से 16 बार ब्रीद इन आउट करते हैं, तो उनका श्वासों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे हेल्थ में। इसलिए श्वास की जो क्रियाएं हैं वो भी मैं आज आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, चर्चा करूंगा। और फोर्थ है, जैसे बाबा कहते हैं, विचार विचारों का तो है ही, आप सब जो है राज मेडिटेशन से कैसे बाबा ने हमें जो है, क्योंकि आज जितनी भी डिजीज है वो साइकोसोमेटिक है, यानी कमजोर मानसिकता की वजह से है। चाहे आपकी हाइपरटेंशन है, बीपी है, डायबिटीज है, ये सारी साइकोसोमेटिक डिजीज हैं। 80 to 90% डिजीज साइकोसोमेटिक है। तो इसलिए हमें ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन साथ साथ हमें जरूरत है सिर्फ कुछ ऐसी क्रियाएं करके। मैं आपको थोड़ी ऐसी क्रियाएं सिखाऊंगा, बताऊंगा जिनके बारे में, क्योंकि जिनसे जो है हमें जल्द से जल्द थोड़े समय में ही ज्यादा बेनिफिट हमें मिल सकता है। और जो योगासना है वो वात पित्त कफ के हिसाब से किया जाता है। सब योगा सबके लिए नहीं है, सब ब्रीदिंग सबके लिए नहीं है। और फिर जो है एज के हिसाब से, जैसे आप, मेरी एज है, और उस एज के हिसाब से जो है आप अपने लिए अपना पैकेज तैयार आप चुन सकते हैं कि कौन कौन से आसना जो है वो मेरे लिए लाभदायक हैं। देखिए, जैसे डायबिटीज का है, डायबिटीज के आसना हमें ज्यादा करने होंगे। अगर कोई ज्वाइंट्स पेन है तो सूक्ष्म क्रियाएं हैं, सूक्ष्म व्यायाम है, वो माइक्रो एक्सरसाइज वो ज्यादा करनी होती है। लेकिन जैसे ही अगर किसी को, जैसे अभी वर्तमान में जो कोरोना वायरस की वजह से प्रॉब्लम, वो हमारे लंग्स पे, गले पे, इन पे ज्यादा है, तो वो उसमें ब्रीदिंग की एक्सरसाइज बहुत ज्यादा उसमें हेल्पफुल है। तो आसना में देखे तो पहले मैं आसना की बात करूंगा। आसना में मुख्य रूप से जो जो हमारे यूथ बी के भाई बहने हैं, तो वैसे तो सभी यूथ हैं, लेकिन शरीर के हिसाब से जो यूथ हैं उनको जो है सूर्य नमस्कार, 5 आसना मैं आपको बताऊंगा स्पेशली। सूर्य नमस्कार जैसे ही, वो क्या है, कंप्लीट ऑल इन वन है। तो 2 से लेके धीरे धीरे आप 1 सप्ताह बाद 4 कर सकते हैं, फिर 6 कर सकते हैं। जैसे जैसे आप 4 6 रोज सूर्य नमस्कार करेंगे तो उससे क्या होता है, हमारे हार्मोन्स भी बैलेंस में रहते हैं और एक एक चक्रा पे उससे प्रभाव पड़ता है और हेल्दी हम बनते हैं। और उसमें क्या है, सूर्य नमस्कार तेजी से नहीं करना होता। कई आजकल देखा गया है कि स्पीड से बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन स्पीड से नहीं करना, इसमें स्टेबिलिटी के साथ हमें करना है। आसना का पहला ही नियम है स्थिर सुखासनम, यानी आसनों में जितनी स्थिरता होगी, जितना इजीली सुखपूर्वक मैं कर पाऊंगा वो आसन मेरे लिए है, और जिसमें भी अनकंफर्टेबल फील करूं उस आसन को तुरंत हमें छोड़ देना चाहिए। तो पहला है सूर्य नमस्कार, लेकिन बहुत सारे नहीं कर सकते हैं तो उसको छोड़ के सूक्ष्म क्रियाएं आप कर सकते हैं। और जितने भी आप, अगर आप व्यायाम कोई भी अभ्यास करते हैं, तो उससे पहले अपनी बॉडी को थोड़ा हल्का फुल्का वार्म अप जरूर कर लें, उसके बाद ही करें। दूसरा जो आसना है वो मुख्य आसना है, क्योंकि ये सबके लिए ही जरूरी है। एक है भुजंग आसना। भुजंग आसना क्या है, हमारी पूरी स्पाइन को स्ट्रेंथ देता है, फ्लेक्सिबिलिटी लेके आता है, डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखता है, और हमारे जैसे हम ऊपर की तरफ, स्नेक पोज की तरफ ऊपर की तरफ उठते हैं ऐसे करके, और हमारे थर्ड आई चक्रा पे, हमारे विशुद्धि चक्रा पे, और फिर हमारा हार्ट चक्रा पे, और हमारी स्पाइन पूरी ही उसे हेल्दी बनती है। तो भुजंग आसना हम सबको करना चाहिए और वो उससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। एक और आसना है जो कि आज सबके लिए बहुत जरूरी है, सहज योगी हैं हम तो उनके लिए क्या है, शशांक आसना। जैसे नमाज पोज करते हैं ना ऐसे, उसमें वज्रासन में बैठ के और धीरे धीरे आगे दोनों हाथ ऐसे लेट कर उसको ऐसे लेट जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उससे क्या होगा, हमारे शरीर में जो ब्लड का फ्लो है, वो सर्कुलेशन है, वो हमारे हेड की तरफ चला जाता है। और जैसे ही हेड की तरफ जाता है तो वो क्या होगा, हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो तुरंत डिक्रीज होने लगेंगे। जिनको भी सिर में दर्द रहता है या फिर दोनों नोस्ट्रल बंद रहते हैं, अब इसमें क्या हो गया, नोस्ट्रल बंद हो जाते हैं, तो जैसे ही आप शशांक आसना करते हैं, आप उसमें बेड लेटने से, उसमें धीरे धीरे आप 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट तक हर रोज हमें शशांक आसन करना चाहिए, क्योंकि उसके करने से क्या होगा,
जो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारा ब्रेन की तरफ आ जाएगा। अगर किसी को सपोज करो माइग्रेन का पेन रहता तो कुछ ही दिनों में उसका ठीक होने लगेगा। वैसे सिर में दर्द हो जाए, नोस्टल आपके बंद हो जाए, ऐसे लेट जाओ तो उससे बहुत अच्छा उसे लाभ मिलता है। अगला आसन है, उसके बाद क्या है, एक होता है सिंह आसना, सिंह गर्दना, सिंह आसना। उसमें क्या करते हैं, जैसे इसमें क्या है, हमारे थायराइड ग्लैंड पे प्रेशर पड़ता है, हमारे विशुद्धि चक्र। उसमें क्या होगा, हमने क्या करना है, जैसे अभी आप साथ में भी इसको तो कर सकते हैं, श्वास भरेंगे और जीभ को बाहर निकाल के और नाक की तरफ हमने ध्यान लगाना और धीरे धीरे आवाज में करना है। श्वास भरेंगे, पहले श्वास ब्रीद लास्ट में, पेट आपका बिल्कुल फिट जाना चाहिए और लास्ट तक आपने श्वास को बाहर निकालना है। तो जैसे इसमें गले में प्रॉब्लम होती है तो गले संबंधी, चाहे अगर किसी को थायराइड है, टॉन्सिल है, कोई हकलाता तुतलाता आवाज सही नहीं है, कोई सिंगर है, उनके लिए एक बार और करेंगे, श्वास भरेंगे। हाँ जी, सभी कर रहे हैं जी ना? वो खोलो अपना वीडियो, वीडियो हाँ खोलो, जी पता कर चले। रहे हाँ, वीडियो खोलो तो पता चले ना। ठीक है, खोलो, ऑडियो की जरूरत नहीं है। तो इसको जो है धीरे धीरे करना है, इसको तेजी से नहीं करना है। ये गलती कहाँ करते हैं, ऐसे तेजी से करते, तेजी नहीं, स्थिरता, सुखपूर्वक। वो जैसे सहज होगी तो सहज ही हमें करना है। तो इसको धीरे धीरे 5 करिए पहले, फिर 7 करिए, फिर इसको धीरे धीरे 11, यानी अगर किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है तो 21 बार, अगर आप 2 से 3 बार ये ब्रीदिंग करके ट्रंक को बाहर निकाल के या इसका अभ्यास करते हैं तो इससे क्या है, थायराइड की प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और कुछ ही दिनों में उसकी थायरोक्सिन की टेबलेट छूट जाएंगी और गले के दोष है चाहे टॉन्सिल हो, वो धीरे धीरे अपने आप ही ठीक होने लगेगा। तीसरा जो है ये, और ये क्या है, आपका वेट भी लूज करता है, क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड को जैसे एक्टिवेट करेगा, उसको ठीक करेगा, बैलेंस में लेकर आएगा, आपके वेट लूज होगा, बॉडी का मेटाबॉलिज्म, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो हमारे थायराइड ग्लैंड से कंट्रोल में आता है, तो वो इसे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। एक और आसना है, वो है शवासना, है ना? तो सहज योगियों के लिए एक आसन है, बहुत बढ़िया है, चाहे हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, और चाहे किसी को ज्वाइंट पेन है, थायराइड है, कोई भी रोग है, क्योंकि मैंने कहा साइकोसोमेटिक है, तो उस तरह की अगर ट्रीटमेंट थेरेपी अगर हम करते हैं तो उसमें शवासना बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि ये दिखने में तो करने में तो इजी है, लेकिन ये दिखने में इजी है लेकिन जब आप करते हैं तो इजी नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे शरीर में एक एक, जैसे सबकॉन्शियस माइंड से एक एक ऑर्गन्स को हमने हील करना है, उसको रिलैक्स करना होता है, और धीरे धीरे फिर उसमें सोल कॉन्शियस है, जैसे हठ योग जहां अंत होता है, ये अंत का कहते हैं कि ध्यान की अवस्था, लेकिन बाबा ने जैसे कहा राजयोग वहां से शुरू होता है, जहां हठ योग या विपासना आदि समाप्त होते हैं, लेकिन हठ योग वहां से शुरू होता है। लेकिन ये जो क्रियाएं हैं अगर हम करते हैं तो फिजिकली हमें बहुत बेनिफिट इससे मिलता है। तो शवासना आप कर सकते हैं, और फिर एक और है योग निद्रा। योग निद्रा माना डायनेमिक स्लीप, एक बार सचिन भाई जी ने भी इसके बारे में पूरा डिटेल से बताया था कि डायनेमिक स्लीप जो हमारी, अब जैसे पहले देखते थे कि ऋषि मुनि थे तो दो दो चार घंटे ही सोते थे और पूरी नींद उनकी कवर हो जाती थी, ऐसे ही बाबा कहते हैं आपने निद्रा जीत बनना है तो उसके लिए हमें रात को जब हम सोए तो योग निद्रा की अवस्था में सोएंगे, तो उससे क्या होगा, आपका 30 से 40 मिनट की योग निद्रा का टाइम होता है, तो जैसे आप या तो सुबह आप कर सकते हो या फिर रात को सोने से पहले आप इसको कर सकते हो, वैसे ही बाबा को याद करते करते इसमें सो सकते हो, तो उससे क्या होगा, जो हमें जो इतना डीप रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा, तो उससे क्या होगा, जो नींद है वो आपकी, जो 7 से 8 घंटे की नींद है वो आपकी 3 से 4 घंटे में ही कवर हो जाती है, इसलिए इसको डायनेमिक स्लीप कहा जाता है, और धीरे धीरे हमारी जो आंतरिक इंटरनल पावर्स है वो
एक्टिवेट होने लग जाएंगी, जागृत होने लग जाएंगी। इंट्यूशन पावर है और तरह की कई पावर्स हैं, वो धीरे धीरे एक्टिवेट होती है। तो ये 5-6 आसना ही है, ये बहुत ही इफेक्टिव है, इनका हम एक कर सकते हैं। बाकी जो आपके अकॉर्डिंग है, आपकी प्रॉब्लम है, उस अनुसार आप अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन ये मुख्य जरूरी है, ये आपको हर रोज करने चाहिए। अब आते हैं ब्रीदिंग पे। जैसे मैंने कहा कि ब्रीदिंग हम जो है कई बार लेते हैं, श्वासों का अगर हम संतुलन यानी सिस्टेमेटिक ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट इज प्राणायामा, यानी एक सिस्टम से श्वास लेना और श्वास को छोड़ना प्राणायाम कहते हैं। श्वासों का संतुलन अगर हम कर लें, श्वासों को सही से लेना सीख जाएं, अब जो राइट नोस्ट्रल है वो हमारा सिंपैथेटिक और लेफ्ट नोस्ट्रल पैरासिंपैथेटिक होता है, यानी ये हमारा सूर्य सवर और ये हमारा चंद्र सवर कोल्ड होता है। और जब दोनों हमारे बराबर चल रहे होते हैं तो हम स्वस्थ हैं, जब हमारे दोनों बंद हो जाते हैं या एक बंद हो जाता है तो समझ लो हमें प्रॉब्लम आने वाली है, इसलिए हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। उसके लिए आपको रात को सोने से पहले गाय का घी या फिर एलमंड ऑयल या फिर अणुओल, जिसको सिर में दर्द रहता है और कोई बाल झड़ते हैं और माइग्रेन रहता है, कोई प्रॉब्लम है हार्मोन्स अनबैलेंस, तो अणु तेल, और या फिर नजला जुखाम ज्यादा रहता है तो उसमें षडबिंदु आयुर्वेद का तेल आता है, वो तेल 3-4 में से कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग इसको डाल सकते हो। तो सुबह रात को डालेंगे तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि सुबह आपके दोनों नोस्ट्रिल में बराबर चलेंगे, तो उससे क्या होगा फिर आपकी जो सुबह ब्रीदिंग जो एक्सरसाइज है वो आप अच्छे से इनको कर पाएंगे। अब ब्रीदिंग में क्या है, सबसे पहले जरूरी है हमें, अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, रीड को हमेशा सीधा रखना होता है, जितनी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उनमें हमें रीड सीधी रखनी है, क्योंकि ये हमारा यहाँ से जाता है और फिर हमारे यहाँ से हमारा जो कहते हैं ना सुषुम्ना नर होती है वो यहाँ से हमारी रीड टेल बोन के नीचे तक जाती है। तो जो प्राणायाम का जो बेसिकली जो इसका उद्देश्य होता है, एम है, वो है हमारी दोनों नोस्ट्रल को क्लीन कर थर्ड आई को एक्टिवेट करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है, क्योंकि वहां से एनर्जी फ्लो होगी तो हम स्वस्थ रहते हैं। तो सबसे पहले ब्रीदिंग जो इस वायरस की वजह से भी वैसे है उसमें है, आप कर हमें सबसे पहले करनी चाहिए भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें क्या है, हमें अभी सभी करेंगे, विश्रुमाल साथ में रख ले अपना, और आपने क्या करना है, अपने राइट नोस्ट्रल को आपने बंद कर लेना है अंगूठे से और लेफ्ट नोस्ट्रल से आपने, इसमें क्या होता है इनहेल भी एक्टिव है और एक्जेल भी एक्टिव है, दोनों ही इसमें एक्टिव है, और इसमें आपने अब क्या करना है, आपने पेट को नहीं चलाना है, आपने गर्दन को नहीं हिलाना है, आपने कान नाक को ऐसे पूरा नहीं दबाना, आपने हल्का सा प्रेशर दबाते ही चेहरे पर खुशी शिवाबा की याद के भाव होने चाहिए, जैसे शिवाबा से शक्तियां ले रहे हैं और बीमारी को बाहर फेंक रहे हैं हम। फिर पूरा भरने के बाद, 10 करने के बाद पूरा अंदर भर लेंगे, धीरे धीरे बाहर निकाल देंगे। लेकिन किसको ये क्रिया तेजी से नहीं करनी, जिसको भी हाई ब्लड प्रेशर रहता है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ये क्रिया को तेजी से नहीं करना, आपने बिल्कुल धीरे से करना है उसमें अगर क्रिया करनी है। दूसरी क्रिया अभी ब्रीदिंग की मैं बता देता हूं, अब अपने रिंग फिंगर को रखेंगे लेफ्ट नोस्ट्रल पे और राइट से इनहेल, गर्दन सीधे रखना है, इसमें हाथ को ज्यादा ऊपर नहीं रखना, हाथ के बगल में रखना है ताकि हाथ दुखे नहीं आपका। जितना भी कफ है, म्यूकस है, नोस्ट्रल में बंद है, नाक बंद रहते हैं, अपने आप खुल जाएंगे, नजला रहता है, जुखाम रहता है, साइनस की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है,
धीरे धीरे अपने आप ही ठीक होने लग जाएंगी। नेचर क्योर और आपका ब्रीदिंग का मेन मोटिव ये है कि बॉडी की क्लीनिंग करना है। जैसे बाबा कहता है पुराने कीचड़े को निकालना है, ऐसे ही शरीर में भी जो अशुद्धियां आती हैं, अशुद्धियों को निकालना यानी टॉक्सिन्स ही बीमारी का कारण है। तो जहां टॉक्सिन्स रुकते हैं वहां प्रॉब्लम शुरू होती है। अब दोनों हाथ जो आप ऊपर करके भी कर सकते हो या नीचे भी करके कर सकते हो। इसमें श्वास भरेंगे, इनहेल एक्सहेल। इसमें ऊपर क्या है, ऊपर शिव बाबा है ना, तो शिव बाबा से हमें एनर्जी को क्या करना है, खींचना है हमें। और जैसे ही श्वास एक्सहेल आउट हो तो ब्लैक एनर्जी को आपने एक्सहेल करना है। चलिए रिलैक्स, विश्राम, ये हो गया आपका। अब ये ब्रीदिंग आप पहले कर लेंगे तो आपको एनर्जी फील हो जाएगी। जैसे कई बार योग में बैठे बैठे क्या होता है, लो एनर्जी फील होती है, आपको नींद आने को होती है, सुबह का टाइम है, शाम का नुमा, शाम योग में, तो आप ये ब्रीदिंग करिए तो तुरंत ही आपका ब्रेन क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो नॉर्मल जो हम जो इनहेलेशन करते हैं वो 250 से 500 mg जो ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं उतना ही बाहर निकालते हैं। और जैसे ही आपने अभी डीप ब्रीदिंग करी तो 10 times यानी 4000 से 5000 mg ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। इसलिए ब्रीदिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। अब आते हैं, ये ब्रीदिंग होगी उसके बाद हमें क्या करना है, अब डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करना है सिर्फ। इसमें जैसे आप मेडिटेशन में बैठते हो तो उससे पहले भी आप जो है हर रोज 10 से 15-20 बार जो है आप अपने आप को इनहेल एक्सहेल आप कर सकते हैं। इसमें कमर गर्दन सीधा रखना और मुद्रा बना लेंगे। मुद्रा आप अपने कोई भी अनुसार, जोड़ों के दर्द है तो ये वायु मुद्रा, आपके हृदय के कोई प्रॉब्लम है तो ये मुद्रा पान वायु मुद्रा, अगर आप पांचों तत्वों को बैलेंस करना चाहते हैं तो समुद्रा, अंगूठे से 4 उंगलियों को मिला ले, समुद्रा बन जाती है। थायराइड की प्रॉब्लम है, गले की प्रॉब्लम है तो आप जो है इसको दूसरी उंगली को, सेकेंड उंगली को आप आकाश तत्व को आकाश मुद्रा आप बना ले, या फिर आपको मोटापा कम करना है तो आप पृथ्वी तत्व को दबा लें, मोटापा बढ़ाना है पतले हैं तो इसको मिला लें, अगर आपको कोई कोल्ड कप से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो छोटी उंगली को आप दबा लें। तो जो आपके लिए मुद्रा हुआ मुद्रा बना के आराम से बैठिए और फिर आपने क्या करना है, डीप इनहेल और स्लो एक्सहेल। चलिए हाथ नीचे, कमर गर्दन सीधा, श्वास भरेंगे, श्वास भरिए बगैर किसी साउंड के, धीरे धीरे एक्सहेल। बिगनर के लिए इसमें क्या होता है, बिगनर के लिए इसमें रेशियो होता है 1-1-1 यानी 5 काउंट में आपने इनहेल किया, 5 काउंट उसको होल्ड करो और 5 काउंट में उसको एक्सहेल आपने करना है। करिए अभी, पांच काउंट होल्ड किया और धीरे धीरे उसको एक्सहेल करना है। 10 से 11 बार ये अभ्यास आप करें। यह अभ्यास कर फिर उसके बाद जैसे 1-1 रेशो है, फिर 1-1-2 रेशो यानी डबल टाइम में आपने एक्सहेल करना है। एक्सहेलेशन ज्यादा मोर देन होती है और जितनी ज्यादा इनहेलेशन एक्सहेलेशन होगी उतनी ही हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। जैसे आपने कहा था इम्यूनिटी बढ़ानी है तो इम्यूनिटी आप ब्रीदिंग के थ्रू बढ़ेगी, क्योंकि जैसे आप ब्रीदिंग करते हैं तो एनर्जी ऑक्सीजन अंदर ज्यादा जाती है, व्हाइट ब्लड सेल बढ़ेंगे और जितने व्हाइट ब्लड सेल के काउंट ज्यादा होंगे उतनी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो श्वासों से हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो ये अभ्यास आप कर सकते हो। अब आते हैं हम, ये तो हो गया यहाँ के लिए, हमने पूरा ब्रेन के लिए। अब आ गया इसमें भ्रामरी प्राणायाम, हवरे की तरह, वो भी एक ब्रीदिंग है। जैसे आप बाबा सत्युग में हमारी क्या होंगी, 3-4 चीजें होंगी,
उसमें डांस होगा, मुद्राएं होंगी, मुद्राएं बना मैंने बताई, और तीसरा होगा नाद म्यूजिक। और हमें अब क्या है, म्यूजिक सुनते ही क्या होता है, हम आनंदित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। इसलिए बाबा के यज्ञ में जो भी मेडिटेशन म्यूजिक, वो इसलिए है ताकि हमारी मेंटल रूप से हीलिंग हो, तो वो एक हीलिंग का प्रोसेस है। इसलिए भ्रामरी प्राणायाम जो है वो बहुत ही अद्भुत है, आपको तनाव से मुक्ति का, स्ट्रेस को रिलीज करने का बहुत ही जबरदस्त प्राणायाम है। तुरंत सिरदर्द हो जाए, कोई टेबलेट मत लीजिए, आप 11 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो तुरंत ही आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, आराम मिलेगा। दूसरा, नाक में तेल डालने तुरंत ही बस, और फिर उसके बाद 11 बार भ्रामरी प्राणायाम। इसमें करना कैसे, इसको विधि देख लेंगे। दो चीजें आपको मैं बताना चाहूंगा इसमें, एक तो है इसमें साउंड, हमें जो साउंड सुननी है उस साउंड पे अटेंशन रखना है। साउंड किसकी करनी, ओम के साउंड इसमें नहीं करनी, इसमें साउंड हमें करनी है भवरे की तरह, हनी बी साउंड हमें निकालनी है, और पहले डीप इनहेलेशन करना है और फिर मुंह माउथ को बंद करके आपने एक्जेल ऐसे करना है, और जो ब्रेन में वाइब्रेशन होगी उस वाइब्रेशन को हमें फील करना है। और अफर्मेशन क्या करनी है इसमें, अफर्मेशन ये करनी है, मेरा सिर दर्द ठीक हो रहा है, मेरी ब्रेन की नसों को ताकत मिल रही है, मेरी इम्यूनिटी पावर बढ़ती जा रही है, मेरी विल पावर बढ़ती जा रही है, मैं पूरी तरह स्वस्थ हो रही हूँ, मेरी आंतरिक शक्तियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये हमें अफर्मेशन करनी है। कलर विजुअलाइजेशन इसमें क्या करनी है, इसका कलर है ब्लू कलर, तो ब्लू कलर को हमें देखना है, फील करना है, ठीक है। चलिए अभी अभी हम जो अंगूठे से कान को दबा लें ताकि बाहर की साउंड हमें ना सुनाई दे, वो इसलिए दबाते हैं, और हमें अंदर की साउंड को सुनना है और बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स करना है। और 5 बार 3 बार भी करके देखेंगे, तुरंत ही आराम मिलेगा। एक उंगली को माथे पे रख लो, 3 उंगलियों का आंखों पे श्वास भरेंगे, विश्राम। इतनी ज्यादा इसमें रिलैक्सेशन यानी मदहोशी आने लगती है, किसी को नींद नहीं आती है, ये करने लग जाओ, और पूरा ध्यान कहाँ है, बिल्कुल सेंटर में, यहाँ ब्रेन पे हमें रखना है, तो इससे क्या तुरंत ही हमें बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। हार्मोन्स बैलेंस में आने लगेंगे, थायराइड की प्रॉब्लम है चाहे श्वासों की प्रॉब्लम है, धीरे धीरे अपने आप ही बढ़ती चली जाएगी। एक ब्रीदिंग है हमारी उज्जयी प्राणायाम की ब्रीदिंग, इसमें क्या करना है, जैसे ये स्पेशली है आपकी अभी गले संबंधी प्रॉब्लम है तो उसके लिए ही है। एक तो गले के लिए आपने क्या करना है, हर रोज सेब का सिरका 1 स्पून लेना है, और उसमें आपने गुनगुना पानी या गर्म पानी लेना है, और उसमें आपने थोड़ा शहद डाल लो, और या फिर उसमें आप जो है सेब का सेंधा नमक डालो, इनके गार्गल करो 2-3 बार, और क्योंकि और फिर जो है उसको बाद में पी भी जाना है। गले संबंधी जितने भी दोष है उसको सेंधा नमक और आपका एप्पल साइडर विनेगर क्या करता है, वो सारे इंफेक्शन को दूर करता है, तो ये आप कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम है तो 1 गिलास ले लीजिए, 1 सिप पीजिए और अभ्यास करने लग जाइए। अब उज्जयी प्राणायाम इसको कैसे करते हैं, पहले कबूतर की तरह, कबूतर की आवाज सुनिए ना आपने, पैरट वो पिजन की, वो कैसे करता है, जीभ को टंग को मोड़ के ऊपर लगा ले, पहले कबूतर आवाज सुन करते हैं, देखिए जीभ को मोड़ के ऊपर लगा ले ऐसे, अब मुंह खोल के नहीं करना आपने, ये मैं आवाज के लिए बता रहा हूँ सिर्फ, अब मुंह बंद कर ले, हम्म
कपोत उज्जयी। अब पूरा उज्जयी कैसे है, इसको पूरा लंबा कर देंगे, श्वास भरेंगे पूरा, और लेफ्ट नोस्टल से पूरा भरने के बाद श्वास को निकाल दें। एक बार और देख लेते हैं, दस ग्यारह बार करेंगे तो गले की सारी समस्या से ठीक हो जाती है। अब आते हैं हमारे, हम आते हैं अब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, गले से आगे नीचे आ गए। इसके लिए क्या है, अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधना प्राणायाम, दो चीजें हैं। अनुलोम विलोम में क्या है, उसमें श्वास को रोकते नहीं है, और जो नाड़ी शोधन है उसमें श्वास को हम एक रेशो से लेते हैं, वन 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 के रेशो से, वन टू वन, वन टू, फिर वन वन टू के, थ्री के रेशो से, ऐसे हम करते हैं। इसको कैसे करना है, हमने नाड़ी शोधन प्राणायाम देखी है, अब इसको अब श्वास भरेंगे यहां से, लेकिन साउंडलेस ब्रीदिंग, इसमें साउंडलेस ब्रीदिंग आपने करनी है। मुद्रा बना लेंगे, प्राणायाम मुद्रा, अंगूठे से दो उंगलियों को दबा लेंगे ऐसे इस तरीके से, और श्वास भरेंगे लेफ्ट नोस्टल से, और राइट नोस्टल से बाहर निकालेंगे। हाथ को यूं नहीं रखना है, हाथ को यूं रखना है, और नाक को दबाना नहीं है, तिरछा नहीं करना है, ऐसे सीधा रखना है, ठीक है। फिर राइट से ही इनहेल, और लेफ्ट से एक्सहेल, ये आपकी एक रेशियो हुई। और ये नहीं करना, गलती कहां करते हैं इसमें, ये तेजी से करने की कोशिश करते हैं, तेजी से क्रिया को बिल्कुल भी नहीं करना, आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपकी और सारी प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी, क्योंकि सहज योगी हैं तो सहज ही क्रियाएं हमें करनी होगी, बिल्कुल धीरे धीरे। यानी मैं अगर करता हूं तो आपको साउंड, आप मेरे पास में बैठे हैं तो उसको साउंड ना सुनाई दे, खुद को भी साउंड ना सुनाई दे, इतना डीप इनहेल हमें करना है, इतना ही डीप हमें एक्सहेल करना है। एक ब्रीदिंग आपकी, एक आवृत्ति आपकी कम से कम भी 30 से 40 सेकंड में होनी चाहिए, तब उसका पूरा लाभ हमें, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, चाहे हार्ट डिजीज है, चाहे शरीर में कहीं भी ब्लॉकेज है, चाहे कैसी भी लो इम्यूनिटी है आपकी, वात पित्त कफ तीनों का इस संतुलन से धीरे धीरे से हो जाएगा। तो ये आप ब्रीदिंग जो है इसको करेंगे तो इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगली और मैं एक और बता देता हूँ। अब पेट पे, यहाँ से हार्ट से आए हम पेट डाइजेशन के लिए, और डाइजेशन से क्योंकि जितने भी प्रॉब्लम है वो पेट की खराबी की वजह से, गड़बड़ी की वजह से है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, और पेट साफ नहीं होता, क्लीन नहीं होता, एक बार में टॉक्सिन्स अंदर रहते हैं, तो उसके लिए कपालभाति प्राणायाम। इसमें कैसे करना है, आपने अपनी नाभि को स्पाइन की तरफ स्ट्रेच करना है और दोनों नोस्टल से एक्सहेल करना है, ये इस तरीके से, ये पेट को आपने ये इस तरीके से आपने क्या करना है, श्वासों को नासिक नोस्टल से बाहर फेंकना है, तेजी से नहीं करना है आपने, बिल्कुल स्लो स्पीड से करना है, तेजी से करेंगे तो प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाएंगी, बिल्कुल धीरे से करना है। और ये कपाल यानी मस्तिष्क में, मस्तिष्क के लिए राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों पे काम करता है, क्लीनिंग करता है, तो ये आप कर सकते हो। फिर एक आती है हमारे रूट चक्रा के लिए, जोड़ों के दर्द है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, वो उसके लिए अश्विनी क्रिया या मूलबंद क्रिया, हमें श्वास भरना है अंदर, अंदर भर के और अपने एनस को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर लेना है, मूलबंद क्रिया, धीरे धीरे छोड़ना है, कुछ सेकंड रोक के, जितनी देर हम आराम से रोक सके उतनी देर हमें रोकना है, और फिर धीरे धीरे हमने छोड़ देना है उसको। ये मूलबंध क्रिया है, इसके करने से क्या होता है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, यूरिन की प्रॉब्लम है, धीरे धीरे उसकी ठीक हो जाएगी। तो जो जितनी भी ये मैंने क्रिया बताई है, ये यूट्यूब पे मैंने डाली हुई है, उस पर आप मूलबंध अश्विनी क्रिया है आप देख सकते हैं। तो ये तो थी ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग में क्या है, जितना मैंने कहा ब्रीदिंग हम ज्यादा लेते हैं और एक साइंटिफिकली लेते हैं,
तो हमारी इम्यूनिटी अपने आप ही बढ़ती है। अब आते हैं हम अपनी डाइट के ऊपर, खाने के ऊपर। 3-step diet आपको मैं बताऊंगा, जो कि ये वायरस है इसको किस तरह से हम मार सकते हैं। अगर वायरस आ जाए तो डरने की जरूरत नहीं है किसी तरह से। दूसरा क्या है, ये कॉमन इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह ही हर साल इसे 8-10 लाख नॉर्मल भी ऐसे शरीर छोड़ते थे, लेकिन क्या है इस वायरस का जो प्रभाव है वो हमारे लंग्स पे और इस पे गले पे ज्यादा होता है। जिनको प्रॉब्लम ज्यादा है उनको ज्यादा असर करता है। लेकिन देखिए इसमें इनका इसका ट्रीटमेंट एक नेचुरल डाइट में है। कहा जाता है आहारम पचाती सीखी, आहार माना भोजन को, पचाती है सीखी, सीखी माना जठराग्नि हमारी जो जीवनी शक्ति है वो, और दोषान आहार वर्जित, जब शरीर में दोष आ जाते हैं, रोग आ जाते हैं, तब हमें क्या करना होता है, खाने को तुरंत ही छोड़ना होता है। जैसे गाय है, भैंस है, कोई भी पेट है हमारा, डॉग डॉग है, वो क्या करता है, कैट है, वो तुरंत ही जैसे ही बीमार होते हैं वो क्या करते हैं, खाने को छोड़ देते हैं और सिर्फ पानी लिक्विड जारी रखते हैं और रेस्ट करते हैं। उस दौरान क्या होता है, जब आप भोजन करते हैं तो भोजन दो चीज होते हैं, एक तो पचता है, जीवनी शक्ति उसको पचाती है, और जब आप भोजन नहीं करेंगे तो जीवनी शक्ति क्या करेगी, भोजन का पचाने की क्रिया तो बंद हो जाएगी और जो अंदर जो टॉक्सिन्स भरे हुए हैं वो बाहर निकल जाएंगे, और दूसरा फिर वो रोगों को भगाएगी, चाहे उसमें कोरोना है, चाहे आपका कैंसर है, कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, थायराइड है, बीपी है, मोटापा है, अर्थराइटिस है, कोई भी किसी भी तरह का डिजीज है। इसलिए लंघनम परम औषधम कहा गया है, यानी लंघन, लंघन माना उपवास, है ना, उपवास यानी ये नहीं है कि कुछ भी नहीं खाना। उपवास किस पे करना, आपने जूसेस पे, फ्रेश जूसेस, आपने फ्रूट्स पे करना, वेजिटेबल जूस पे करना है, तो उनसे आप वो करते हैं तो क्या होगा, हमारी जीवनी शक्ति अपने आप ही बढ़ेगी। अब इसमें 3-step diet के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या करना है, जैसे सपोज करो इसमें सबसे पहले तो अनाज को छोड़ देना है, अगर प्रॉब्लम हो जाए उसमें क्या करना है, आपने अनाज को छोड़ के आपने उपवास पे आ जाना है। यानी सपोज करो किसी को भी कोरोना वायरस का अटैक आया तो उसको तुरंत ही खाना छोड़ देना, यानी पका हुआ कुक फूड को छोड़ देना है, बंद कर देना है, और रो फूड को चालू करना है, कच्चे को। सबसे पहले दिन क्या करना है, 3-step, 3 दिन की डाइट में बताता हूं। पहले दिन आपने क्या करना है, जैसे सपोज करो मेरा वेट है 80 kg, अब मैंने क्या करना है, यानी पहले दिन 6-7 glass मैंने जूस पीने हैं, उसमें कौन से खट्टे जूसेस, पाइनएप्पल है, मौसम्बी है आपका, और आपने का ऑरेंज है आपका, ये खट्टे जूसेस पीने हैं, उसमें आंवले का भी थोड़ा जूस हो सकता है, ये जूस पिएंगे तो क्या होगा, मेरी इम्यूनिटी धीरे धीरे अपने आप बढ़ेगी। दूसरा मैंने क्या करना है, पहले दिन डॉक्टर बिशोप राय चौधरी जी, क्योंकि उन्हीं से हमने डायबिटिक एजुकेटर का किया और वो ही इस स्टेप से बहुतों को उन्होंने ठीक किया है। दूसरा हमने क्या करना है, इसमें उतने ही पहले दिन 6-7 नारियल पानी पीने हैं, ठीक है ना, नारियल पानी, और एक और पीना है उसमें संजीवनी जूस, जो मैंने बताया है यूट्यूब पर भी, संजीवनी जूस यानी ग्रीन जूस, उसमें आपने धनिया है, पालक है, पुदीना है, अदरक है, सहजना है, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो, उसमें आप गिलोय है, तुलसी है, जिंजर है, रो टर्मरिक है, इन सबको अच्छे से धुलाई करके और उसका आपने पानी मिक्सी में ग्राइंड करो, उसका पानी जूस, पानी डाल के मिक्सी में ग्राइंड करके जूस निकालो और उस जूस को आपने पीना है, उसमें आंवला भी डालना आपने, और जूस का आपने दो से 3 glass जितना आपसे पिया जाए उतना पियो। फिर उसके बाद कर क्या करना है, सुबह शाम में जितनी भी हमारे टॉक्सिन्स पड़े हुए हैं पहले हो जाते हैं, पहले दिन आपने ये करना है। दूसरे दिन डे टू पर आपने क्या करना है, यानी जो आपने 5-6 glass जूस पिया था उस जूस को आप 3-4 glass कर देंगे और फ्रूट्स को ऐड करेंगे, रॉ फ्रूट्स, उसमें रॉ फ्रूट्स माना कटे हुए का वेट, जैसे मैंने कहा मेरा वेट अगर
70 से 80 केजी है तो उसको 70 के बाद में एक जीरो लगा दो, यानी इंटू 10 मल्टीप्लाई कर दो 10 से, वो क्या होगा 700 ग्राम या 800 ग्राम आपने मिनिमम फ्रूट खाने ही खाने हैं। और उसके बाद क्या करना, आपने जो नारियल पानी है वो आपने 3 से 4 गिलास, आपने 3 से 4 नारियल कोकोनट वाटर आपने पीना है। आपने सुबह से आप फिर से वही एनिमा लेना है। डे थ्री आपने क्या करना है, आप सुबह से हम सुबह ग्रीन जूस लेंगे, फिर आपने जो है 3 से 4 गिलास आपने वो खट्टे जूस कोई भी सिट्रिक जूस, और फिर आपने फल आहार लेना है आपने, और उस हल्के से हल्के डाइट पे आपने फिर से उपवास को ब्रेक करना है। तो ऐसे अगर आप करते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, जो जीवनी शक्ति है वो रोग को भगा देगी और वायरस का प्रभाव धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएगा। और जो हमने ये देखा है, मैंने बेहतर घंटे तक ड्राई फास्टिंग करी है, क्योंकि नेचर क्योर में कहते हैं ड्राई जितना प्रैक्टिकल करते हैं उतना ही हमें एक्सपीरियंस होता है। तो 72 घंटे तक मैंने ना खाया ना पिया, तो अपने आप से चाहे कफ है चाहे वायु हो वो धीरे धीरे अपने आप बाहर निकलती है, तो अपने आप बॉडी हील करती है, जो इनर हील हमारे जो जीवनी शक्ति वो हील करेगी। तो वो 3-स्टेप डाइट है। और रो डाइट में क्या होता है, लाइव एंजाइम्स होते हैं, जैसे आप किसी भी चीज को पका देते हैं, जैसे सेब रखा है आपका, आलू रखा है, उसको ऐसे कैसे रखोगे, तो आप 15 दिन तक भी आप ऐसे कैसे रखा रहेगा। अगर आपने उसको पिल्स को छील दिया, छिलका उतार दिया, तो उसकी लाइफ कितनी हो गई बताइए, उसकी लाइफ आपकी 1 घंटे के अंदर ही वो खराब होने लगता है। अगर आपने उसका जूस निकाल दिया तो जूस निकालने के बाद वो तुरंत ही 5-10 मिनट तक ही उसकी लाइफ है, नहीं तो वो खराब हो जाता है। ठीक इसी तरह से और क्या होता है कि, और जैसे लाइव फूड मैंने कहा संजीव भोजन का, उनमें क्या होता है लाइव फूड एंजाइम्स होते हैं, वो लाइव एंजाइम का होता है, चाहे उसमें कैल्शियम है, वाइटामिन है, आयरन है, प्रोटीन है, आपका वाइटामिन सी है, जो भी चीजें हैं न्यूट्रिशन है, उनको पता है कि लाइव एंजाइम्स क्या करते हैं, एड्रेस कोड पोस्टल कोड की तरह काम करते हैं, शरीर में उसी ऑर्गन्स पे ही जाकर के वो हमें न्यूट्रिशन देते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं। अगर आपने उबाल दिया सेब को तो तुरंत ही खराब हो जाती है। अगर आपने जो है किसी जूस को जैसे पैक जूस पिया, तो पैक जूस वो कोई काम का ही नहीं है, उसमें सारे आपके एक भी न्यूट्रिशन नहीं है, सिर्फ शुगर ही शुगर है, तो वो डेड फूड में आता है। तो डेड फूड हमें डेथ की ओर ले जाता है और लाइव फूड हमें लाइफ देता है। जैसा सत्युग में क्या होगी हमारी आहार, सत्युग में हमारा आहार जो है वो 80% एसिडिक एल्कलाइन होगा और 20% हमारा एसिडिक होगा, यानी 70-80% हमारा भोजन फल आहार जूसेस ये सब होगा, और उतना ही जो है हमारा क्या होगा एसिडिक जो यानी पका हुआ भोजन वो 15-20% होगा। यही हमारे शरीर का रेशियो है, इसी अनुसार ही हमें डाइट अपनी लेनी चाहिए। इसलिए दिव्य आहार पद्धति द्वारा चाहे मोटापा है कोई भी रोग है वो धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लगता है, क्योंकि वो अगर आप जैसे कहते हैं ना रोगी खाए 2 बार और रोगी खाए 12 बार और योगी खाए 1 बार, तो हमें जैसे 25 से 30 साल के बाद शरीर रूपी मंदिर जो तैयार हो जाता है उसको तैयार होने के बाद 1 बार भोजन करने की जरूरत है, ना कि 3 बार। उसलिए क्या है, सिर्फ हमें रिपेयरिंग चाहिए ताकि हमारा शरीर चल पाए। और जैसे आप ये डाइट अपनाएंगे, 1 बार पका हुआ भोजन खाएंगे, सुबह से हम आप कच्चा फल जूस सलाद स्प्राउट्स नट्स इस तरह की डाइट लेते हैं, तो उससे क्या होगा हमारी एनर्जी अपने आप बढ़ जाएगी, नींद कम आएगी और ऊर्जा बनी रहेगी, हमारा योग अच्छा हो जाएगा और शरीर के जितने भी रोग है वो अपने आप ही भागने लग जाएंगे, अपने आप ही वो दूर हो जाएंगे। तो ये है दिव्य आहार पद्धति। अभी समय मुझे बता दें कितना हुआ ताकि हम क्वेश्चन भी ले लें किसी, क्योंकि बहुत सारे उनसे भी क्लियर होंगे। अच्छा एक और मैं ब्रीदिंग आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपके हिसाब से वहां जरूरी है बहुत,
शीतली व शीतकारी प्राणायाम, क्योंकि योग में क्या है कोल्ड ड्रिंक नहीं पी जाती है, लेकिन इसमें क्या प्राणायाम ही ऐसा है, इसमें शीतली शीतकारी प्राणायाम स्पेशली गर्मी को कंट्रोल करने के लिए है। इसमें क्या करना है, जीभ को थोड़ा बाहर निकालते हैं गोल बना के एक बार, और फिर हम श्वास भरते हैं, कुछ देर श्वास को रोकते हैं और फिर धीरे धीरे बाहर निकालते हैं, तो क्या ठंडक अंदर जाएगी, अंदर हमारे श्वास भरेंगे फिर से एक बार और, ये तो होगी शीतली। अब शीतकारी क्या है, जबड़े को दबा लें और जीभ को लगा लें दांतों पे, श्वास बाहर निकाल दें, ये शीतली यानी ठंडक हमें प्रदान करती है, गर्मी से भी बचाएगी, बहुत अच्छी हेल्पफुल है आप सबके लिए। और गर्मी से बचने के लिए, और जैसे जो का सत्तू है आप, नारियल पानी है आपका, और ये शीतली शीतली शीतकारी प्राणायाम है, और रबड़ी जो है, रबड़ी बहुत बढ़िया काम करती है, और एक गाय का देसी घी 2 से 3 चम्मच हम लेते हैं तो पित्त हमारा शांत रहता है, गर्मी जो है वो हीट हमारी कम रहती है। तो ये तो थे हमारे जो है डाइट, प्राकृतिक आहार, क्योंकि प्राकृतिक जीवन शैली को अगर हम अपनाते हैं तो सारे रोग अपने आप ही दूर भागने लगते हैं, क्योंकि जो हमें ऊर्जा चाहिए, हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ से मिलती है आपको, फल सलाद सब्जियों के जूस से मिलती है, उन कच्चे में मिले खाएंगी तो मिलेगी, अगर हम पका के खाते हैं। अब आप सपोज करो, आप रोटी खा के काम करते हो या आराम करने का मन करता है, खाना खा के, खाना जब भी आप खाते हैं तो आराम करने आप सोते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लें, यानी नियम ये कहता है, खुद हमारी प्रकृति ये कहती है कि खाना खाने के बाद हमें आराम करना चाहिए, आराम उसे यानी हमारे आलस्य पैदा होता है। और जैसे ही आप कोई सुबह से लेके शाम तक कोई काम करना, गवर्नमेंट कोई फंक्शन है या सेंटर पे प्रोग्राम है, तो क्या करते हैं, सिर्फ जूस पी लेंगे, फल खा लेंगे, तो हमारी एनर्जी बनी रहती है, हम काम ज्यादा कर पाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हमें जो है पका हुआ भोजन खाने से क्या आलस्य पैदा होता है, मोटापा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और बीपी आपका बढ़ता है। उसमें मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, जो आप अनाज जो चावल खाते हैं वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, सारे रोग का कारण ही वही है, क्योंकि उनमें क्या होता है, आपका डाइटरी फाइबर नहीं होता, फाइबर क्या होता है, शरीर से झाड़ू का काम करता है, उनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, सिर्फ कार्ब ज्यादा है, चावल और गेहूं खाते हैं तो आपके शरीर में 20 से 30 मिनट में ही 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 20 से 30 ग्राम ग्लूकोज को रिलीज कर देता है। तो उससे क्या होगा, 1 ग्राम ग्लूकोज को, ब्लड शुगर को पचाने के लिए क्या है, हमें 15 मिनट चलना पड़ता है। अगर 30 ग्राम आपका ग्लूकोज शरीर में बढ़ गया है, लेवल बढ़ गया है, तो 450 मिनट आपको चलना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी, इसी वजह से ही इतना सब डायबिटीज हो गया है। कारण ये है, सारे मोटे अनाज खाना बंद कर दिया आपने, चौलाई है, रागी है, आपने सावा है, कोदो है, और उसमें फिर आपका बार्ले है, अलसी है, आपका चौलाई है, ये सब मिलेट्स आपने खाने, चना है, ज्वार है, ये सब मिलेट्स हमने खाने बंद कर दिए, कम कर दिए, चावल और गेहूं पर ही डिपेंड हो गए। तो मुख्य कारण है हमारे शरीर में ये, तो हमें इनको छोड़ना नहीं है, हमें सिर्फ इनको रिप्लेस करना है मिलेट से। मिलेट में कौन से, ज्वार है, जैसे ठंडी वहां ठंडी गर्मी अभी तो ज्वार ठंडी होती है आपकी, ओट्स थोड़ा, ओट्स मीडियम है आप ले सकते हो, और उसमें बार्ले जो ठंडा भी है, कैल्शियम भी है, आयरन भी है, पोटेशियम भी, मैग्नीशियम भी, और फाइबर जो है 8 से 12% है। चावल और गेहूं में बता दूं मैं आपको 1 से 2% ही फाइबर है, और अगर आप बारीक का आटा पीसते हैं या फिर आपका आटा पॉलीपैक का है तो उसमें फाइबर 1% भी उसमें नहीं है। तो इसलिए जो है ब्लड शुगर को बढ़ाता है, क्योंकि वो फिर डाइजेस्ट नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन करता है, और वो फिर धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट जब वो कंज्यूम नहीं होता है तो फैट के रूप में डिपॉजिट होता है, कहीं कोलेस्ट्रॉल, कहीं स्टोन में, ऐसे हमारे शरीर में वो डिपॉजिट हो जाता है। तो ये मुख्य जो कारण है,
अभी दीदी जी बताएंगे जी, अगर किसी की कोई क्वेरीज है, किसी का हो तो जरूर पूछें, जरूर किसी का कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो वो आप पूछेंगे तो अच्छा रहेगा, तो उससे भी बहुतों के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। बताइए। मेरा क्वेश्चन है, एक ओम शांति, बाल बहुत झड़ते हैं, इसके लिए कुछ बताओ डाइट। अच्छा, यहाँ का हार्ड वाटर है, सी का पानी है ना, प्योरीफाई करते हैं, ये भी रीजन अच्छा, होगा, और डाइट कोई हो ना इसके लिए स्पेशल। एज कितना? मेरा एज अबव 60। अच्छा, बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, इसमें देखिए एक तो जो मैंने कहा आगे ऐसे वज्रासन में बैठेंगे तो सिर पे प्रेशर जाएगा, वो आप करना है, ब्रीदिंग थोड़ा ज्यादा करिए। और तीसरा मैं एक थोड़ा पैक बता देता हूँ हेयर के लिए, इसमें क्या करना, आपने मेथी, फेनुग्रीक सीड, मेथी के आधा कप मेथी लिया, रात को भिगो दिया आपने, उस मेथी को सुबह पानी डाल के थोड़ा पीस लो, और उसमें थोड़ा पीस के उसको छान लो, उसमें थोड़ा एलोवेरा का जूस आप डाल लो, और एक विटामिन ई का कैप्सूल उसमें डाल लो, और धीरे धीरे फिर उसको पानी से, उसमें कोकोनट वाटर भी आप मिला सकते हो, और उसमें कोकोनट गिरी भी मिला सकते हो, उसका पैक बनाइए, और उस पैक को थोड़ा एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा जूस जेल है वो आप लगाएंगे, तो आपके फिर उसके बाद लगाने के बाद उसको आप धुलाई कर लें हेयर को, तो उसे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और शैम्पू आप जो यूज करते हैं वो शैम्पू यूज ना करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा कारण है, जो शैम्पू है वो केमिकल है, वो सारे ऑर्गेनिक शैम्पू यूज करें। तीसरा हेयर ऑयल से मसाज, आप उसमें कोकोनट नारियल का तेल लें, और उसमें क्या करना है आपने, उसमें आपने कलौंजी का तेल ले लें, या कलौंजी को ले लें, उसको पकाए, मेथी दाना उसमें ले लें, और तीसरा गुड़हल के फूल या हिबिस्कस के जो वो आपको शायद उधर नहीं मिलेगा, तो तेल उसको बनाना पड़ेगा, उसमें फिर आप कैस्टर ऑयल भी डाल सकते हो, एलमंड ऑयल भी डालो, तो इस तेल से मसाज करो, आपके यहाँ बिल्कुल नीचे की तरफ मसाज करोगे तो उससे आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेरी है? ओके, थैंक यू। हाँ जी, और कोई, ये घुटने के लिए कोई पूछ रहे हैं हमारे भाई जी। हाँ जी, आप पूछो। हाँ जी, आओ आगे पूछो। ये घुटने में जो दर्द होती है उसमें थोड़ी घिस गई है, तो उसके लिए क्या करना है? घुटना घिस गया है इनका। एक्चुअली क्या होता है, जो ये वात का रोग है, वाता दोष है, जब वायु ज्यादा तेज चलती है जहां भी, वहां अपने आप नमी जो होती है, ग्रीसिंग जो होती है, वो सूखने लगती है, जैसे स्किन से भी है ना, मॉइस्चर अपने आप डिहाइड्रेट होने लगती है स्किन में, इसलिए ऑयल अप्लाई करना पड़ता है। और जिनको भी वात की प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे उनको अंदर से जो हमारे शरीर में लुब्रिकेंट्स है वो सूखने लगता है, वो फिर जो है धीरे धीरे एक्सरसाइज ना करने की वजह से बंद कर दो उसको एक बार, तो उससे क्या होता है, घिसने लगता है, ये हमें महसूस होता है वो घिस गए, घिसे नहीं है, वो सूख जाते हैं, और फिर हमारे जो ज्वाइंट्स है वो धीरे धीरे आपस में ऐसे टकराने लगते हैं, और टकराने की वजह से क्या है, फिर वो दर्द होने लगता है, तो उसके सूक्ष्म व्यायाम एक्सरसाइज मैंने कई बताई है, घुटनों पे ठंडा गर्म शेक आप कर सकते हो, और ब्रीदिंग ज्यादा करें, क्योंकि नर्व की प्रॉब्लम है तो ब्रीदिंग से वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, और उसे तेल की मसाज करें, तिल के तेल से, और या फिर आप महानारायण तेल आता है उसकी आप मसाज उसे कर सकते हैं, वैद्यनाथ का। हाँ जी, हेलो, स्किन बहुत ड्राई रहती है। हाँ बात है जी, स्किन बहुत ड्राई रहती है। अच्छा, तो नाभि में गाय का घी की मसाज करें आप, नाभि में, ठीक है ना, गाय के घी की या एलमंड ऑयल की, तो उसे मसाज करें। दूसरा, जो शैम्पू जो आप साबुन लगाते हो उसने क्या है, ड्राई कर रखी है, इसमें क्या होता है, जैसे जिनको वात ज्यादा होते हैं ना, वात मैंने कहा वायु, उनकी स्किन ड्राई होती है, और जिनकी पित्त की तासीर होती है, पित्त दोष होता है, उनकी स्किन ऑयली होती है, तो उसमें आप पैक बना सकते हो, उसमें नारियल का जैसे नारियल का पानी लिया उसको आप लगा सकते हो, दही में मिक्स करके आप एलोवेरा लगा सकते हो, ड्राई स्किन है, और उसमें आप
जैसे नहाने के बाद है, गाय के घी को ही डायरेक्ट आप अप्लाई करें या नारियल तेल को आप पूरी बॉडी पे अप्लाई करेंगे तो वो आपकी जो बाहर से ड्राइनेस रहती है वो दूर हो जाएगी। एक ये तो होगा कि बाहर से कुछ। हाँ मैं नारियल का तेल से लगाती हूँ, ऑर्गेनिक नारियल से। लेकिन नाभी में जरूर लगाओ, उससे ड्राइनेस बहुत दूर होगी आपकी। और लेना भी आपने तेल को, यानी तेल या घी को अंदर खाना भी है, अंदर से भी ड्राइनेस दूर करनी है और बाहर से भी। पर डे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से हमें फैट चाहिए यानी 10-15 ml हर रोज चाहिए हमें। वो 3 स्पून हो गया, 3 स्पून आप जो है उसको आप या तो दलिया है, खिचड़ी है, सूप है, या फिर आप गर्म पानी किया उसमें डाल के आप पी जाइए तो खुशकी आपकी दूर हो जाएगी। ये नारियल, नारियल ऑयल, नारियल का, हाँ कोकोनट ऑयल या गाय का घी अगर शुद्ध मिलता है तो गाय का घी भी, कोई पतंजलि का नहीं है, कोई कंपनी का नहीं यूज करना, शुद्ध घी अगर है तो वो आप कर सकते हैं। जैसे आप खाएंगे आपकी जो अंदर से खुश्की है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी, गैसेस बनना कम हो जाएगा। हाँ जी, और किसी हस्बैंड पे गुस्सा कम करें, ये भी तो है ना इलाज उसका। लोकेश भाई, शांति जी, हमको बताओ जरा डायबिटीज के लिए, डायबिटिक के लिए। अच्छा डायबिटीज के लिए, हाँ जी डायबिटीज के लिए मैं ये कुछ बताते नहीं, कुछ हल नहीं बताते, दवाइयां खाते जो, प्लीज बताइए। हाँ डायबिटीज में देखिए, एक तो सबसे पहले आधा घंटा वॉक करना बहुत जरूरी है। दूसरा इसमें जैसे मैंने फ्रूट्स खाना शुरू कर दें आप, और जितना आपका वेट है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और आपका उतना मिनिमम फ्रूट खाना है, मैक्सिमम आप कितना भी खा सकते हो। उसमें क्या करना है आपने, फ्रूट्स में आप कई कहते हैं उससे, डॉक्टर कहते हैं आज फ्रूट से ब्लड शुगर बढ़ता है, लेकिन फ्रूट से ब्लड शुगर हमारा डाउन होता है क्योंकि उसमें फ्रुक्टोज होता है और वो नेचुरल स्वीटनेस है। तो उसमें क्या होगा, हमारा ब्लड शुगर कभी भी बढ़ता नहीं है बल्कि घटेगा। लेकिन ये आपने ये करना है, आपने सब कुछ खा सकते हो, लेकिन इसमें फ्रूट कौन से, मॉर्निंग में खट्टे फ्रूट, दोपहर में मीठे फ्रूट, उसमें केला है, चीकू है, आम है, ये आप दोपहर में खा सकते हो, और शाम में आपने मीठे हल्के लो कैलोरीज वाले फल खाने चाहिए, ठीक है ना। तो आपने फ्रूट्स रोज खाइए, रोज एक कोकोनट वाटर पीजिए, और उसके बाद आपने आपने अनाज का मैंने कहा, अनाज में आपने एक बार खाएं, पूरे दिन में एक बार खाएंगे, एक बार खाने के बाद उसमें आपने क्या करना है, जौ की रोटी आप खाए, ज्वार की रोटी खाए आप, और अच्छा जी हाँ, और जो सामा राइस आता ना जिसको व्रत में खाते हैं, सामा राइस, उस राइस को आपने चेंज करना है सामा राइस में। तो वो सामा राइस क्या है, उसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है। तो इन तरह के मिलेट्स को अगर आप ऐड करते हैं तो वो आपकी ब्लड शुगर को ठीक रखेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था, ये ब्लड शुगर को धीरे धीरे, जितना जैसे हम खाते हैं वो धीरे धीरे हमारे बॉडी में रिलीज करता है ग्लूकोज लेवल को, एकदम से नहीं स्पाइक करता। और जो गेहूं और चावल है वो क्या है, आप चावल को देखो, खाएंगे थोड़ी देर में फिर भूख लग जाएगी, उसका रीजन ही यही है, वो धीरे धीरे बहुत जल्दी हमारे शरीर में डाइजेस्ट होता है। और आप बाजरे की रोटी एक खा लो, आप देखो है? शाम तक आपको भूख नहीं लगने देता, यानी जितना हमें जरूरत होगी उस अनुसार वो ब्लड शुगर को रिलीज करेगा, तो इसलिए ये खाएं। तीसरा क्या है, इसमें सलाद आप खाने से पहले खाएं, 800 ग्राम ही सलाद, जैसे 70 केजी वेट है तो 700 ग्राम, 80 केजी वेट है तो 800 ग्राम, उसको दो भाग में डिवाइड कर लें। एक तो आपने क्या करना है, खाने से पहले खाने हैं, 15 मिनट दी 20 मिनट पहले खाओ उसको सलाद को, बाद में बिल्कुल नहीं खाना, पहले खाना है, फिर आपका जो दूसरा पोर्शन है वो कंट्रोल में आ जाएगा, फिर आप शाम को दो बार में खा सकते हो। और 10 से 11 या 12 बजे तक आपने नाश्ता नहीं करना है, सबसे बड़ा कारण है नाश्ते ने ही, ब्रेकफास्ट ने ही, नाश्ते ने सारे स्वास्थ्य का सत्यानाश कर दिया है।
अब कहते हैं नाश्ता जरूरी है, लेकिन सुबह अगर हम 10 से 11 बजे तक फ्रूट ही खाएंगे तो हमारी ब्लड शुगर धीरे धीरे अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो वो धीरे धीरे अपने आप ही ठीक होती है। हाँ जी भाई साहब, थोड़ा सा कुछ आपने थोड़ा कुछ बोला ना, वो मेरे को डिस्कनेक्ट हो गई थी लाइन तो सुनाई नहीं दिया, वो पता चला कि आपने बताया ना कि उसका ज्वार का, और वो उसके बाद प्लीज रिपीट कर दीजिए ज्वार वाला। हाँ जी, क्या नाश्ते का आपने बोला रात को लाइट फ्रूट खाना चाहिए, रात को फ्रूट में मैं अभी बताता हूँ, नाश्ते में हमें फ्रूट्स ही खाना चाहिए, फ्रूट्स है, आप स्प्राउट सलाद ले सकते हो, ठीक है ना, स्प्राउट्स, या स्प्राउट्स में आपने मूंग है, मोठ है, मेथी दाना है, आपने थोड़ा सा चना है, गेहूं है, ये सब अंकुरित करिए, और उसमें अल्फा अल्फा है, ये सब अंकुरित करके आप क्या उसमें फिर आपने सलाद मिलाइए, खूब कोई फ्रूट्स मिलाइए, पूरा कंप्लीट है, खाइए आप उसमें ड्राई फ्रूट्स भी मिला सकते हो, खाइए आप उसको, तो आपका नाश्ता हेल्दी नाश्ता तैयार हो जाएगा। तो और उसके बाद दोपहर को फिर आपने ज्वार की, जौ की, आपने रागी की, आपने उसमें ओट्स का कोई चीज बनानी है, दलिये भी इन्हीं के बनाने, आपने ओट्स है, बार्ले है, आपका जौ है, और क्या बोलते हैं उसको, मिक्स दलिया है आपका, ये सब दलिया आप बनाइए, उसमें सब्जी का पोर्शन आपका ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना, सब्जी का पोर्शन उसमें ज्यादा होगा, और जैसे जैसे ये डाइट आप लेंगे तो थोड़े दिनों में क्या है, आपका वेट भी घटेगा, आपके ज्वाइंट्स पेन भी कम होंगे, आपके जो है उसमें चाहे थायराइड वो होगा, वेट भी लूज होगा आपका। हाँ, ये आप कर सकते हो। तो आपने गेहूं चावल को रिप्लेस करना है इन अनाज से। ओम शांति जी। कोई क्वेरी है लोकेश भाई? हाँ जी, कचौड़ी समोसे ये सब बंद? हाँ, ये भी मैं बताता हूँ अभी। अच्छा, कचौड़ी समोसे, देखिए अगर आपने बीमारी को ठीक करना है, कोई प्रॉब्लम है तो ठीक करना है, तो 3-4 या 5 महीने तक आपने अपनी डाइट को नियम संयम से खाना होगा। उसके बाद संडे को, या जैसे आज फ्राइडे है वहां, तो फ्राइडे तो उस दिन आप खूब खाइए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन उससे अगले दिन आप पूरा फास्टिंग करेंगे तो बैलेंस में रहेगा, ये होता है। अच्छा, रबड़ी का रिप्लेसमेंट क्या है जी? रबड़ी का रिप्लेसमेंट है उसका सत्तू, जो का। अच्छा, जो का सत्तू आप पी सकते हैं, रबड़ी का रिप्लेसमेंट। लेकिन रबड़ी का रिप्लेसमेंट वही है, रबड़ी बहुत अच्छी चीज है, जिनको बहुत ज्यादा है उनके लिए बहुत बढ़िया रबड़ी। अच्छा, एक चीज मैं और मैं बताना चाहता हूँ, जो सुबह उठते ही हमारे भाई बहने भी मधुबन में देखो या कहीं भी देखो, 4 बजे चाय पीने लग जाते हैं, है ना, चाय सबसे ज्यादा एसिडिक होती है दुनिया में, 5 एसिडिक चीजें हैं, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, एल्कोहल और साल्ट, आपका चीनी, आपका ये 6-7 चीजें हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा एसिडिक है। अगर आप सुबह चाय पीते हैं तो क्या होगा, उसे हमारे शरीर में एसिड का लेवल और बढ़ जाता है, आपके चाहे दर्द है चाहे कोलेस्ट्रॉल है वो धीरे धीरे और बढ़ेगा। लेकिन आपने दूसरी चाय पीनी है, नेचुरल हर्बल टी, आपके घर में ही तुलसी है, दालचीनी है, थोड़ा सौंफ है, जीरा है, अजवाइन है, आपका जो आपको सूट करता है, आपका लेमन ग्रास है, आपका संतरे के छिलके हैं, नींबू का छिलका है, आपके अमरूद के पत्ते आप ले सकते हो, आप पुदीना ले सकते हो, आप कोई भी 2-3 चीजें लीजिए, आप अपनी तासीर के हिसाब से, वात पित्त कफ के हिसाब से, तो वो चीजें लीजिए, उसका थोड़ा गुड़ डालिए, कावा बनाइए, उसको पीजिए, आप दिन में 2-3 बार भी पिएंगे तो वो आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा और धीरे धीरे आपकी स्वास्थ्य को भी बहुत अच्छा करेगा। तो चाय का रिप्लेसमेंट ये है, चाय छोड़नी नहीं है, लेकिन चाय के जगह पे आपने नेचुरल हर्बल टी लेनी है, जो वो हर्बल टी आती है वो क्या होती है, उसमें वो हीट को बढ़ा देती है, गर्मी को बढ़ा देती है, तो वो गर्म जहाँ पे कंट्री है उनके लिए नहीं है, वो सिर्फ है जो ठंडी कंट्री है, जैसे यूएस है, कनाडा है, आपका
यूरोप है वहां के देशों के लिए है, उनके लिए है वो, वहां के भाई बहनों के लिए है, उनको वो ग्रीन टी सूट करेगा। लेकिन जैसे आप है तो वहां, हमारे यहाँ गर्मी है, आपके वहां बहुत ज्यादा गर्मी, तो वहां बिल्कुल सूट नहीं करेगा। तो ठंडी तासीर की चीजें बना के उसमें नींबू का है, आप पुदीना है, आपका जीरा है, सौंफ है, इनके कावे बना के पियेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। मेथी का बॉडी में क्या फायदा होता है बताएं? है जी, मेथी दाना। अच्छा, मेथी दाना क्या करता है? एक तो ब्लोटिंग, जो हमारा शरीर फूलने लगता है उसको रोकता है, जोड़ों के दर्द है, गैस बनना है, कब्ज, जैसे देखो मेथी को भिगोने के बाद बिल्कुल कितनी हो जाती है, तो हमारे जोड़ों के जो गैप बढ़ जाता है, जो लुब्रिकेंट उसको भी बढ़ाता है वो। लेकिन उसको क्या करना है, या तो मेथी खानी है या मेथी का पानी पीना है, क्योंकि गर्म होता है, तो उसके साथ जो है आप उसको या तो मेथी खाओ या फिर मेथी का दाना लो या फिर मेथी को अंकुरित करके ही खा लो, दोनों चीजें मत खाना, क्योंकि गर्मी है तो और गर्म कर जाएगा। और कोई भी औषधि है, घरेलू है या कोई भी आयुर्वेदिक, 15 से 20 दिन ज्यादा काम करती है, उसके बाद वो काम नहीं करती है, उसका काम धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी आज बहुत ज्यादा डाउन हो गई, इस वजह से वो काम नहीं करती है। इसलिए क्या करना है, 15-20 दिन बाद दूसरी चीज को चेंज कर देना है, एक सप्ताह के लिए जीरा ले लिया आपने या फिर सौंफ ले लिया आपने, उसका पानी या आप टी बना के आप ले सकते हैं, और डायबिटीज को भी ठीक करेगा। हाँ जी, ये मेथी रात को भिगो के सुबह खाना बेहतर है कि? हाँ जी, रात को भिगो के सुबह खा लें, सुबह खाना, पानी नहीं पीना, मेथी के दाने खाने हैं या पानी पीना बस? हाँ, या तो दाने खाओ या पानी, दोनों मत खाओ, गर्मी कर देगा वो, ज्यादा ज्यादा वो गर्म कर देगा आपको, माइल्स हो सकती है आपको, गर्मी बढ़ जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ सर्दी में आप दोनों चीजें ले सकते हो। ओके, एनिमा कैसे लेना है? एनिमा देखो, एनिमा पॉट होता है, उसमें क्या होता है, वो बड़ी आपकी सफाई के लिए होता है, पहले छक्कर में बस्ती क्रिया की जाती थी, लेकिन उसका आज नया मॉडर्न रूप है एनिमा। एनिमा क्या है, एक बॉक्स होता है, उसमें पानी भर के ऊपर टांग देते हैं किसी उस पे, और फिर उसमें पानी भर के उसमें कभी नींबू डाल लिया, आंवला डाल लिया, उसमें लस्सी डाल लिया, अपने कोई ऑयल डाल लिया उसमें, या कोई भी औषधि, नीम का, जैसे बुखार ज्यादा, अभी बुखार भी होता है इसमें, तो नीम के पत्तों को आपने उबाला और उसको पानी से एनिमा लेना, फिर उसमें एक कैथेटर होती है, उसमें ऑयल अप्लाई करना है, ऑयल अप्लाई करने के बाद उसको एनस से धीरे धीरे आपने इतना अंदर एनस के डालना है, फिर आपने उसमें क्या है, उसमें पानी को अंदर जाने देना है, और जितना आपसे पानी जाए फिर उसके बाद पेट को आपने ऐसे क्लॉकवाइज आपने पेट को ऐसे रब करना है, ताकि बड़ी आंत पे प्रेशर जाए और धीरे धीरे आपके पेट की सफाई हो जाए। उसके बाद फ्रेश हो जाना है नहाने से पहले, आप फ्रेश होने के बाद आप एनिमा ले सकते हैं सुबह से। ओम शांति भाई जी, बताऊंगा पूरी उसके डिटेल से, बताऊंगा कैसे लिया जाता है, और लाभ भी बहुत अद्भुत है उसके। गुरुजी, स्नोरिंग के लिए बताइए कुछ। है जी, स्नोरिंग के लिए? स्नोरिंग एक तो मोटापे की वजह से, दूसरा मैंने कहा नाक रुक जाते हैं, रुकने की वजह से इसे स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब श्वास नहीं आता मुंह से सांस लेने लगते हैं, वो खराटे की आवाज बन जाती है। एक तो गाय का घी 10 दिन तक सुबह शाम डाले, या बादाम ऑयल तेल सुबह शाम डाले, और फिर एक टाइम कर दे, और रबड़ नेति करें इसके लिए, रबड़ नेति उज्जयी प्राणायाम, ठीक है ना। रबड़ नेति क्या करती है, तो नेसल पैसेज है वो उसको धीरे धीरे क्लीन कर देगी, और नेसल पैसेज को क्लीन होते ही आपकी उसमें, चाहे साइनस की प्रॉब्लम है, आपकी स्नीजिंग की प्रॉब्लम है, आपकी चाहे आपकी स्नोरिंग की प्रॉब्लम वो धीरे धीरे अपने आप ही ठीक होने लगती है। कॉन्स्टिपेशन देखो, पेट कॉन्स्टिपेशन सब रोगों की माँ है, जैसे देह विमान सब रोगों विकारों की जड़ है ना, ऐसे ही हमारे स्वास्थ्य की कॉन्स्टिपेशन माँ है, उसको दूर करने के लिए जैसे मैंने कहा, जैसे आप फल सलाद बढ़ा देंगे, अल्कलाइन बढ़ा देंगे, फाइबर ज्यादा मात्रा में जाएगा,
उसमें पपीता खाएंगे, आप केला खाएंगे और आप अनार खाएंगे, तो अपने आप हमारे पेट की सफाई करेंगे, शुद्धि करेंगे। पानी ज्यादा पीजिए, पानी कम पानी पीने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है, और तेल व घी ना लेने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है, क्योंकि फैट्स को आज मान लिया फैट्स मोटापा करते हैं, मोटापा नहीं करते, लेकिन फैट्स मोटापा कैसे करते हैं, जब आप गाय के घी में पराठा बनाते हो, उसमें पूरी बनाते हो उबाल के, वो आपको बैड फैट कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांस फैट में कन्वर्ट होके वो हमें बीपी कोलेस्ट्रॉल मोटापा सब बढ़ाता है। लेकिन उसको रो फूड में खाएंगे, यानी दलिया खिचड़ी या गरम पानी में डाल के, अगर हम सूप में डाल के लेते हैं, तो वो फैट्स क्या हमें फैट को भी फिट करेगा, कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक रखेगा, और हमारे शरीर में वात दोष को भी ठीक करेगा, पित्त को भी ठीक करेगा। और तीसरा, अगर कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है तो उधर कल चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण है, या एक मैंने कब्ज नाशक चूर्ण बनाना भी यूट्यूब पे बताया है, तो उससे देखकर भी आप हर्ड उसमें है, मेथी दाना है, सौंफ है, जीरा घर की चीजें है, वो आप धनिया है, आंवला है, आंवला पाउडर, ये सब मिला के वो कंपोजिशन पूरा उस वीडियो में दे जाकर आप देख सकते हैं, तो उसे आप चूर्ण बना ले। लेकिन ये चूर्ण जो है ये क्या टेम्परेरी है, जब तक हम अपनी डाइट को चेंज नहीं करेंगे तब तक वो कॉन्स्टिपेशन रहेगी। और साथ में प्राणायाम में अग्निसार है, कपालभाति है, ये सब करें, पानी ज्यादा मात्रा में पिए। पार्किंसन जो है वो है, दो कारण है उसके। एक तो पार्किंसन का कारण है वायु का ज्यादा बढ़ जाना, शरीर में वायु ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे एज फैक्टर होती है, जैसे बचपन में कफ प्रवृत्ति होती है, कफा होता है, और तो 15 से 30 30 ईयर के ग्रुप में पित्त दोष होता है, और जैसे जैसे 40 से ऊपर की एज में बढ़ता है तो फिर से वात भी बढ़ता है और कफ भी बढ़ता है। तो वात के बढ़ने से ये जो है हमारे शरीर में पार्किंसन का होता है। दूसरा, कोई भी किसी भी तरह का पास्ट की चीज का स्ट्रेस लेने से भी ये पार्किंसन का रोग आजकल बढ़ता है, उसके लिए ओम ध्वनि सबसे बेस्ट है, और अनुलोम भस्त्री का प्राणायाम जो मैंने आपको सिखाया था, एक एक ब्रीदिंग करना, फिर दोनों से ब्रीदिंग करना, और नाक में अणु तेल डालना, रबड़ नेति करना, ठीक है ना, और कौन सा तेल क्या करना है जी, अणु तेल, नहीं तो सड़बिंदु तेल है वो भी डाल सकते हो, गाय का घी भी डाल सकते हो इसमें पार्किंसन में। और डीप ब्रीदिंग स्लो करनी है इसमें, जितना हम ब्रीदिंग करेंगे उतना अच्छा लाभ मिलेगा इससे, क्योंकि वायु का है, वायु जब अगर तेजी से श्वास लेंगे तो वायु और बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम और बढ़ेगी, धीरे धीरे हमने ब्रीदिंग इसमें करनी होती है, और सवासन और योग निद्रा, ठीक है ना, okay, और कलर इसमें विजुलाइज करना हमें वायलेट कलर। अच्छा, ये अणु ऑयल तो कभी सुना नहीं हमने, कहां अणु ऑयल होता, किस चीज का तेल? हाँ, अणु तेल व्यास कंपनी का, वैद्यनाथ का, कई कंपनियों का आता है, बहुत पुराना तेल है ये, नाम से ही आता है। अच्छा, ओके, हाँ हाँ, नाम से ही आता है। लोकेशन भी डाल सकते हैं, तो ये लेना है या लगाना है? नहीं नहीं, नाक में डालना है, और सिर की, हाँ, एक और मैं पार्किंसन का बताता हूँ, सिर की अखरोट के तेल से या बादाम के तेल से मसाज करना। हाँ ये लोकेश भाई, एक हमें टिनेटस के बारे में डालना था, जो रिंगिंग इन द ईयर्स का प्रॉब्लम रहता है ना, उसके लिए कुछ है उपाय? इसके लिए टिनेटस, रिंगिंग इन द ईयर्स, जैसे कान में कुछ लोगों के ना आवाज जो आती रहती है कंटिन्यूअसली, रिंगिंग कान के लिए। हाँ हाँ, ये इसका तो बहुत बढ़िया इलाज है, इसके तो मैंने अभी 2 पेशेंट इसके ठीक किए हैं। इसमें क्या होता है, जिनको भी कफ की प्रॉब्लम होती है, ये कफ का रोग है, ठीक है ना, तो जिनको भी कफ की प्रॉब्लम होती है उसमें क्या होगा कि आपको कफ जो है, कफ जैसे आप एलोपैथ की मेडिसिन लेते हैं, उससे क्या होता है, कफ या तो यहाँ जम जाएगा, यहाँ जम जाएगा तो सिर में दर्द रहना, आंखें वीक होना, यहाँ जम जाएगा तो सिर में और फिर से दर्द होगा, यहाँ जम जाएगा तो
तो कान में काम में कम सुनना, कान से आवाज आना, कान में वायु घुस जाना, ये सब इस तरह के रोग इसे होते हैं। लेकिन इसका बहुत ही सरल है, एक तो कुंजल क्रिया करना, वमन क्रिया है ना, क्योंकि जो कफ के रोग है वो वमन से ज्यादा खत्म होते हैं, और फास्टिंग करने से, जो वात के हैं वो मसाज करने से ठीक होते हैं, और पित्त के और कफ के वमन क्रिया करने से। तो कुंजल क्रिया पानी पीकर ही जो है उसको, जैसे वो बैठ के नीचे आराम से और पानी पीकर आप जो है उसको मुंह में हाथ डाल के बीच वाली दो उंगलियां पानी को बाहर निकाल दें, दूसरा हाथ पेट पे रखे आगे झुकते हुए सारे पानी को बाहर निकाल दें, जिससे क्या होगा आपका एसिड है, कफ है, वाता है, सारा धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा। कितना पानी करीब लेना होगा? उसमें आप शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आप चार गिलास से शुरू करेंगे, फिर अगले दिन करोगे पांच छह गिलास, कैपेसिटी अपने आप बढ़ती जाएगी। यानी पानी इतना पीना कि वो पानी अपने आप में ही बाहर आए, कुंजल क्रिया। इसमें दूसरा क्या करना, रबड़ नेति। रबड़ नेति क्या है, वो जितना भी कफ वगैरह जहां भी जमा है वो सारा अपने आप बाहर निकाल देगी, बस। और तीसरा कान के मसाज। कान के मसाज कैसे करनी है, दो उंगलियों को ऐसे कर लो, ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे, ये यहाँ से, ये एक कान के पीछे एक आगे, ये ऐसे, ये आगे भी और पीछे भी ऐसे मसाज करनी है आपने। फिर क्या है, कान को ऐसे खींचना है, ये ठीक है ना, ये करना है। और भ्रामरी प्राणायाम है, इसमें बहुत बढ़िया काम करेगा। भ्रामरी है और तेज ब्रीदिंग है, भस्त्रिका का प्राणायाम है, ये है इसमें। तो ये जो है आपको दो क्रिया है, और आपका भ्रामरी प्राणायाम है, मसाज है, और कान के लिए एक तेल आता है, उसके कान के लिए एक तेल आता है, मुझे अभी याद नहीं आया, वो तेल आप उसमें डाल सकते हो, कान में डालने का एक स्पेशली तेल आता है वैद्यनाथ का, तो बोलते कान का तेल आता है, तो कान का डाल सकते हो, या फिर हाँ वो तेल आप डालिए, या फिर आप तिल के तेल में मेथी दाने को पका के उसको डाल सकते हो। तिल का तेल लिया, उसमें मेथी दाना पका लिया, लेकिन उसको डबल बॉयलर में पकाना है, पानी उबाला और पानी में कोई कटोरी रखा उसमें तेल डाला और मेथी दाना डाला, ऐसे डबल बॉयलर करके डायरेक्ट तेल को नहीं उबालना, फिर उसको ठंडा करके आप कान में डाल दोगे, उससे चाहे कान का दर्द हो और इस तरह की प्रॉब्लम हो वो भी इससे ठीक होती है। नहीं तो आप कोई वैद्यनाथ का एक तेल आता है, उसका नाम अभी याद नहीं आया मुझे, वो तेल आप ले लीजिए, वो अब तक ठीक है ना। ये करने से आपकी क्रिया बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो आपके पास ऐसे केसेस हैं जिनमें पूरी तरह से ठीक हो गए लोग, क्योंकि इसका बाकी तो कोई और इलाज नहीं है बताते हैं? हाँ, इसका और कोई इलाज नहीं है और इसका बिल्कुल ठीक हो जाता है। अच्छा जी, धन्यवाद लोकेश भाई, ये इससे ठीक हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ कफ जमा हुआ है सिर्फ आपको, और वो कफ जैसे रिलीज होगा, लेकिन इसको धीरे धीरे 20 दिन 25 दिन ये क्रिया आपने करनी पड़ेगी, तब जाके। थैंक यू। हाँ जी, ओम शांति। तो सवाल आपके तो यहाँ पे झड़ी लगी हुई है सभी की, लेकिन टाइम की भी लिमिट है। हाँ, समय देख लीजिएगा। हाँ, और आपके तो कितने बजे, आपके ढाई बजने को आए आपके, हमारे तो 12 ही बज रहे हैं। खैर हमारे तो इतनी देर में ही 12 बज गए। एक सेशन और कर लेंगे इनके साथ, एक सेशन भाई मैं बोल रही हूं, दिनों में फिर दोबारा बुला लेंगे। नहीं, एक क्वेश्चंस का ही रखेंगे बाद में ना, सिर्फ एक सवाल जवाब का मेनली रखेंगे, तब तक आप अपने सवाल सारे इकट्ठे कर लो। तो अभी सारे इकट्ठे कर लो आप अपने, और जो है उसके बाद आप रख सकते हैं कभी भी, राइट। और जो भी अभी तक हमने इन्फॉर्मेशन जो भी पाई है उसको थोड़ा अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, उसके बाद एक दो हफ्ते बाद भाई से फिर से मुलाकात करेंगे, और फिर आप अपने सवाल जवाब जो भी रिजल्ट हो उनके साथ हम मिलेंगे फिर से, ठीक है ना? शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश भाई, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्रा दीदी जी और जो कृष्णा माता जी और आप सब हैं, आप सबका थैंक यू कि आप ना जुड़ते तो फिर हम कैसे अपनी जो है अपना अनुभव आपसे शेयर करते। चलो बहुत अच्छा, और इनके आप सभी देखते हैं ना, महावीर ग्रुप में रोज आता है इनका यूट्यूब। हाँ नहीं, रोज मैं तो जरूर देखती हूँ, जरूर सुनती हूँ।
चलो अच्छी बात। तो मैंने बहुत सारी चीजें उस पे बताई, अभी भी मैंने रबर नीति सिखाई थी और जल नीति का भी बनाया नहीं अभी, और कुंजल क्रिया मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हो उसमें, और जो गैस का जो चूर्ण है कवच के लिए वो भी मैंने उसमें बता रखा है पूरा, तो उसमें से आप देख के घर में ही बना सकते हो आप। चलो बस अभी यही सबका संकल्प है, कोई दवाई बाहर से नहीं लेनी, देसी इलाज, हम सभी देसी लोग हैं और देसियों को देसी रहना ठीक लगता है, उसी से हेल्थी ज्यादा रहता है। अंग्रेजी ज्यादा नहीं चलता, मेड इन चाइना आपको पता है क्या होता है, इसीलिए इम्यूनिटी बढ़ानी है अभी अपनी। इम्यूनिटी बढ़ानी है, इम्यूनिटी बढ़ानी। चलो जी बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, मुलाकात करते हैं जल्दी से फिर से, ठीक है? और ये रिकॉर्डिंग में मेरे पास है, रिकॉर्डिंग मैं भेजूंगी सब जी, ठीक है, थैंक यू, बाय गौरी, ओम शांति, बाय, क्या रिकॉर्डिंग भेजो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।